चौधरी राकेश टिकैत को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। मुजफ्फरनगर जनपद के पुलिस महकमे में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब संयुक्त किसान मोर्चे के शीर्ष नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को किसी ने उनके मोबाइल पर फोन कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ फोन पर आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए उन्हें उस समय जान से मारने की धमकी तक दे डाली जब राकेश टिकैत सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर अपने परिवार के साथ थे। बस फिर क्या था, घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस राकेश टिकैत के घर पर पहुंची, जहां किसान यूनियन के ही एक कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी ने पुलिस को लिखित शिकायत कर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले क्या है कि ये बहुत से लोग हैं, यहाँ पे तहरीर पहले भी दी लेकिन पुलिस करती कुछ नहीं है। पहले भी कई तहरीर दे रखी, यहाँ पे भी है, दूसरे थानों में भी है, जहाँ पे घटना होती है तो वहाँ पे देते हैं। अब अगर पुलिस फोर्स नहीं कुछ करती तो हम, अब जो भी कोई फोन आएगा किसी का, वो फोन नंबर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। किस तरह धमकी, क्या गाली गलौज करने के काम करते हैं, मारकाट की बात करते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। शिकायत करी लेकिन उसका भी कोई जवाब पुलिस फोर्स ने नहीं दिया। पहले भी दी, आज भी दी, अगर ये नहीं करेंगे कुछ भी तो फिर इसके बाद में किसी भी नंबर से अगर फोन आएगा उस नंबर को हम अपने सार्वजनिक उस नंबर को करेंगे कि इस नंबर से, और वो वीडियो कॉल भी रिकॉर्डिंग पूरा करके वो हम पब्लिक में उसको फ्लैश करेंगे। पता नहीं कौन लोग हैं, तो ये पकड़े तो वही बताऊंगे कौन लोग हैं, क्या पता कौन है। नहीं, हमारा तो ये है कि जो भी इस तरह की हरकत कर रहे, पुलिस प्रशासन का काम है कि जब शिकायत दर्ज करवा दी तो उसको पकड़े, अरेस्ट करे, उससे जानकारी करे कौन आदमी है।